मुंबई में इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे बिना बताए चली गई। क्या बताती करण, हालात ही इतने बिगड़ गए थे कि सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी बदलना पड़ा। और मैं तुम्हें उसी नाम से ढूंढता रहा। लेकिन तुम मुझे अभी वही नाम से पुकार सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स तानिया। पता नहीं कितने पापड़ बेले मैंने नताशा को पटाने के लिए। क्या बात करता है यार, तूने बताया नहीं कि तेरा पापड़ का धंधा है। तू चुप ना रे, मैं तो यार लड़की के पास डिटेक्टिव बन के आया था। डिटेक्टिव? मैं तो डिफेक्टिव बन के आया था। डिफेक्टिव? आती थी सुपरमार्केट में सामान खरीदने को और साथ में उसका येड़ा भाई गोलू। एक दिन मुझे पता चला कि उसका भाई चल बसा है। मैंने सोचा ये येड़ो लोगों से तो बहुत प्यार करती है, घुस गया उसकी गाड़ी के नीचे, हाँ झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवाया, हाथ लूला, ओ ऐसा याददाश्त खोने की एक्टिंग करके घुस गया उसके घर में। मैं भी नताशा के बाजू के बंगले में नल फिट करने गया था, उधर से ही नताशा को देखा तो नील का नट बोल्ट ढीला होकर वाइसर लीकेज करने लग गया। लेकिन तुम दोनों ने मेरा गेम ही बिगाड़ दिया। ए, हम दोनों ने नहीं, गेम तो वो साला तीसरा बिगाड़ेगा। अरे हाँ यार, पता नहीं वो अचानक कहां से टपक पड़ा। अरे वो टपका नहीं रे, वो लड़की का पुराना आशिक है। हाँ, कॉलेज का फ्रेंड है उसका। साले इस वक्त दोनों कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। वो कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे वो तो तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन भाई? ये आदमी है। करण, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों बाद कोई अपना मिल गया हो। गोलू के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। क्यों? तुम्हारे वो तीन दोस्त हैं ना? वो तो हैं, खास करके टॉमी, वो तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। रिपीट रिपीट नताशा, प्लीज रिपीट, सुन लंगड़े सुन। उसे देखते ही मुझे गोलू की याद आती है। भगवान ने एक भाई छीन लिया तो दूसरा भेज दिया। पीट पीट अपना सर पीट। और संजू? संजू संजू इज अ डार्लिंग टू मी। वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो तो मुझे अपनी बहन मानता है। मैं भी उसको अपने बड़े भाई से कम नहीं समझती। पीट पीट साथ में पीट, साथ में पीटा। और वो तीसरा रॉकी? रॉकी जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। स्मार्ट, हैंडसम, फनी, चीयरफुल, लेकिन सब दिखावा है। अंदर से वो इतना झूठा, मक्कार, फ्रॉड और मर्डर निकलेगा। खैर, इन सब की छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम अभी भी गिटार बजाते हो? नहीं, उस बार तुम्हारे इंतजार में आखिरी बार बजाया था, फिर कभी नहीं। तो आज हमारे मिलने की खुशी में बजा लो। यहाँ? यहाँ नहीं, घर पे। मेरे पास गिटार है, तुम मेरे लिए गिटार बजाना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी। कॉफी विद करण? इससे पहले कि वो गिटार बजाए उसको जाके बजाते हैं, चलो। ओके। तुझे बड़ी जल्दी रहनी है, तू चला जा। भाई, आप चले, आप चले। भाई, आइडिया क्या है कुछ तो बताइए। इस करण के बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। ये करण को बच्चे भी है? ए, तुम लोग चुप रहो ना यार। तुम लोग भी ना यार। अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता है। मर्डर? ए भाई, तेरे को मालूम है ना कि यहाँ दुबई में एक मर्डर का फांसी है, है? ना ढीला है क्या तेरा? इधर का जो स्ट्रिक्ट है ना, बहुत कानून है, समझा? हाँ। अबे ये तू टेका मत दे रहे। अरे ये बिस्किट में एक गोली है और ये बिस्किट खाते ही कुत्ता शेर बन जाता है और करण उसका शिकार।
Are we ready? नहीं नहीं कॉलेज के बाद कभी आंटी ये क्या कर रही हैं आप घर की सफाई आधी हो गई आधी बाकी है ये एक एक मिनट हाँ करण कुछ तो कर पाए आंटी जयंती लाल किधर है वो बहुत हल्ला मचा रहा था मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया है ओह नो करण हाँ प्लीज जयंती लाल को बाथरूम से निकालो ना एक्सक्यूज मी जयंती लाल इनके पति हैं नहीं वो हमारा कुत्ता है ही इज अ डॉग पकड़ो ये कौन सी नस्ल के पति हैं आई मीन कुत्ता है पोमेरियन है Ooh, I'm so scared. तो आप ये जो इतना शोर मचा रहे थे Hi, Jyoti. Hello. Come here. Come. Come on. कितना सोचता रहे ये डायमंड का रिंग को ऐसा देखता रहेगा ना तेरा बाल को डाई करने का टाइम आएगा लाइफ में पहली बार प्रपोज कर रहा हूं मुर्गन थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूं हाय तानिया एक्चुअली तानिया मैं आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं तुमने रॉकी को मेरा पीछा करने के लिए मुझ पर जासूसी करने के लिए कहा था ये तुमसे किसने कहा किसी अनजाने ने मुझे खत लिखा है क्या है सच है एक्चुअली तानिया हुआ ये था कि हाँ या ना करण हाँ गेट आउट मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती तानिया वो देखो तानिया मैं उस वक्त ये बिल्कुल नहीं जानता था कि रॉकी लुच्चा है लफंगा है खूनी है हाँ तानिया मतलब और... तुमने एक ऐसे आदमी को मेरे पीछे लगा दिया जिसे तुम जानते तक भी नहीं क्या कहा था तुमने रॉकी से क्या पता लगा तानिया की कितनी बुरी आदतें हैं कितने आशिक हैं उसके क्या जानना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लायक हूं कि नहीं कारण तुमने मेरे एतबार को यकीन में बदलने से पहले ही तोड़ दिया क्या समझते हो तुम मुझे किसी जाल में फांस के मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगे प्लीज गेट आउट करो प्लीज यहां से चले जाओ मैंने तुम्हें इसलिए ढूंढना चाहा क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें भुला नहीं पाया
अगर तुम मुझे ना मिलती तो मेरी जिंदगी अधूरी की अधूरी रह जाती।